नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आर्ट ऑफ लिविंग ने भरा 25 लाख रुपए जुर्माना। श्री सी रवि शंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने एनजीटी के निर्देशानुसार 25 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में भर दी है। शेष राशि 4,75,00,000 को भरने के लिए उन्हें 4 सप्ताह का समय दिया गया है। विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को लेकर एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग पर पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर 5,00,00,000 का जुर्माना लगाया था, साथ ही कुछ निर्देश भी दिए थे। संस्था ने एनजीटी में अर्जी दाखिल करके कहा कि जुर्माने की 5,00,00,000 की राशि जमा करने और अधिकरण के सभी निर्देशों के पालन करने के लिए उसे कम से कम 4 सप्ताह के समय की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन दिल्ली में यमुना तट पर 11 से 13 मार्च को किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या को भेजा समन। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या को शुक्रवार को समन भेजा है। एक जानकारी के अनुसार ईडी ने माल्या को समन जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। निदेशालय ने सीबीआई की शिकायत में दर्ज विजय माल्या और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि गत 2 मार्च को माल्या देश छोड़कर चले गए हैं। माल्या पर विभिन्न बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। किम जोंग उन ने कहा और करो परमाणु परीक्षण। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाने का हवाला देते हुए अधिक परमाणु परीक्षण करने का आदेश दिया है। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण का मुआयना करने के बाद उन्होंने परमाणु हमले की क्षमता में सुधार करने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परमाणु परीक्षण करने का आदेश दिया है। उन्होंने यह आदेश गुरुवार को 500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के वक्त दिया था। बंगाल सरकार ने दिया पाकिस्तान को सुरक्षा का भरोसा। भारत सरकार से लिखित सुरक्षा आश्वासन के लिए अड़े पाकिस्तान को पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की ओर से पुख्ता सुरक्षा का भरोसा आधिकारिक रूप से पत्र लिखकर जताया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम के ICC 2020 विश्व कप के लिए जल्द भारत आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान टीम के कोलकाता में रहने के दौरान उन्हें पुख्ता सुरक्षा का आश्वासन देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने पत्र लिखकर भरोसा जताया है और इस बाबत 2 पत्र पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भेजे गए हैं। PCB अधिकारियों ने कहा है कि हमें पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की ओर से 2 पत्र मिले हैं जिसमें सुरक्षा का भरोसा जताया गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।